अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सीरियस पोर्ट के कनेक्शन की डायग्राम है। जैसे मैंने डायग्राम बनाई है वैसे ही हम इस बोर्ड को तैयार करेंगे। सबसे पहले चार सुराहों वाला बोर्ड लें और उसके ऊपर एक होल्डर, दो सॉकेट और एक बटन को हम फिट कर देंगे। इसको अच्छी तरह टाइट करने के बाद इसके हम कनेक्शन जैसे डायग्राम में दिखाए गए हैं वैसे ही हम इस बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। इस बोर्ड में एक होल्डर लगाया गया है और एक सॉकेट है, उसके बीच में एक बटन है और एक सॉकेट जो है वो डायरेक्ट लगाई गई है। ये सेम ऐसे ही मैंने जैसे डायग्राम में दिखाया है वैसे ही हमने बोर्ड को तैयार कर लिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन सबसे पहले हम होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल में एक तार को लगाएंगे जो कि ब्लैक वायर है, न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, और दूसरा उसका सिरा जो है सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देंगे, और फेस वायर जो है उसके नीचे वाले टर्मिनल में लगा के और दूसरा पॉइंट जो है बटन में लगा के उसको हम एक तार और लगा कर हम आगे जो है दूसरी सॉकेट में लगा देंगे। अब इसके बटन का ऊपर वाला टर्मिनल जो है उसको एक तार लगा के और बल्ब के साथ जो सॉकेट है उसके साथ ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देंगे, और उसको उसका दूसरा सिरा हम जो है होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देंगे। ये हमारे कनेक्शन जो है तैयार हो गए जैसे हमने डायग्राम में किए, वैसे ही हमारे बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब ये नीचे फेस वायर है और ऊपर वाली जो है वो न्यूट्रल वायर है। अब हम इसको चेक करेंगे। बटन हमारा जो है वो ड्रॉप को चेक करता है। ये हमारा सीरियस सॉकेट है, इससे के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे तार को मैं चेक कर रहा हूँ, इसके मुताबिक आप सीरियस पोर्ट के कनेक्शन कर सकते हैं।